हेलो गाइस, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, तो हम उठ चुके हैं और अपनी तैयारी में लग चुके हैं। गाड़ी को तैयार कर रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा धो रहे हैं, तो तैयारी करते हैं आज की ब्लॉग की, तो शुरू करते हैं। जी तैयारी है, हो गया तैयार? ठीक है, चलो आप भी शादी में चलो। भगत जी तैयार हो गए? तैयार हो गए। चलो फिर चलो जल्दी। बुगू जी तैयार हो गए? तैयारी है? तांचू जी आप भी तैयार हो गए? ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त बलजीत, बलजीत कलोत्रा, आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागतम करता हूं और उम्मीद करता हूं उस मालिक से कि आप सभी ठीक से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है। आज हम आपको एक शादी दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारे मामा जी की बेटी की है, काजल की। सो आप देखकर अंदाजा लगाना कि आपको शादी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, ये शादी पठानकोट में हो रही है। हम अभी चलेंगे पठानकोट में, आपको भी साथ में ले चलेंगे और दिखाएंगे शादी कि कैसी शादी हो रही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, आइए चलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात बोल दूं कि जो मेरे फ्रेंड्स, जो गाइस इस चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। जो फ्रेंड्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया था एक दिन कि हमारे मामा जी की जो बेटी है काजल, उसकी शादी है। तो उसकी शादी के लिए हम आज जा रहे हैं। आज संडे दिन को उसकी शादी है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं गाड़ी स्टार्ट करके काजल की शादी में। सो हमने गाड़ी निकाल ली है और परिवार भी पूरा तैयार है शादी में जाने के लिए। तो जा रहे हैं हम पठानकोट में, आज आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले अच्छी चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि आज की जो शादी है वो मैं आपको गुरुद्वारा में सिख समाज में कैसे शादी होती है ये बताऊँगा, क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनकी जो बेटी है और पंजाब का जो कल्चर है वहाँ पे मैक्सिमम पंजाब में सिख समाज में शादी होती है, गुरुद्वारा में शादी होती है। तो वहाँ पे जो मेरे मामा जी हैं, वहाँ की जो उनके जो बेटी के ससुराल वाले थे वो भी सिख समाज से रिलेटेड थे और मामा जी ने भी डिसाइड किया कि गुरुद्वारा में शादी करते हैं। तो आज आपको गुरुद्वारा में शादी बताऊँगा और आपने बड़े प्यार से देखना है कि जो गुरुद्वारा में शादी होती है कितने आनंदपूर्वक होती है, और इसको आनंद कार्ज बोलते हैं पंजाबी में, इसको आनंद कार्ज बोलते हैं। तो हम चल पड़े हैं अपनी राह में और पहुंचने वाले पठानकोट में। तो पठानकोट में रास्ते में कोई 30 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है, 30 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके हम अभी पठानकोट में पहुंचेंगे। तो पठानकोट में हम सीधा पहुंचेंगे जाके गुरुद्वारा साहब में, जहाँ पे आनंद कार्ज होगा और मामा जी की बेटी काजल का शादी होगी, आनंद कार्ज होगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखते रहना है और आज आपको ये एक नई चीज़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो आनंद कार्ज है, जो सिख समाज में शादी होती है, वो नहीं देखी है। तो फ्रेंड्स, अपना सफ़र हमारा जो है वो चल रहा है, तो हम पहुंचने वाले हैं पठानकोट में। पठानकोट के ये हमारा पड़ता है जो गुरुद्वारा है, ये है मॉडल टाउन में। तो फ्रेंड्स, मॉडल टाउन में ये गुरुद्वारा पड़ता है। ये हम पहुंच के वहाँ पे, जहाँ पे बारात हमारे आने से पहले आ चुकी थी, मिलने वगैरह हो चुकी थी, और जब हम पहुँचे, ये देखिए श्री गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन। तो जहाँ पे हम पहुँचे
तो उसके बाद वहाँ की रस्म में भी देखिए और कैसे कैसे शादी होती है वो भी देखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये आप पहुँचे हम गुरुद्वारा साहब में और वहाँ पे पहुँच के हम और वहाँ का कल्चर है कि वहाँ पे जो भी कोई जाता है गुरुद्वारे के अंदर जाता है तो उसको अपना सिर ढक के जाना पड़ता है। वहाँ की एक रीत है सिख समाज में, तो हमने भी सिर पे रुमाल बांध लिया है और तैयार हो गए हैं अपने मिशन के लिए। सो अभी शादी शुरू नहीं हुई है, तो अभी जो काजल है वो आने वाली है। तो ये देखिए काजल आ गई है और सबसे मिलते हुए अंदर जा रही है। ये अंदर गुरुद्वारा में काजल आ गई है। तो उसके बाद ये देखिए ये मेरे बड़े मामा जी हैं, साथ में उनकी पोती है। मैं आपको अपने परिवार से भी मिलाता हूँ, अपने रिलेटिव से मिलाता हूँ। ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरी सिस्टर का बेटा है, मामा जी की बेटी का, बड़े मामा जी की बेटी का। ये मेरे ब्रदर खड़े हैं, ये मामा जी का छोटा बेटा है बड़े मामा जी का, ये मामा जी की बेटी है नेहा। ये देखिए सबसे पहले एक रस्म होती है वहाँ पे, जैसे हमारे सिंदूर डालते हैं वैसे वहाँ पे भी सिंदूर डालते हैं और साथ में सिर पे चुनरी देते हैं। तो वो गुरुद्वारा के अंदर ही रस्म पूरी हुई। ये देखिए उन्होंने मिठाई खिला के दोनों जो जी है उनको मिठाई खिलाई। उसके बाद जो चुनरी की रस्म है वो पूरी की और सिंदूर की जो रस्म है वो भी पूरी की। ये देखिए चुनरी चढ़ाई जा रही है, जैसे हमारे हिंदू समाज में चुनरी चढ़ाई जाती है तो वैसे ही पंजाब में सिख समाज में भी चुनरी चढ़ाई जाती है। ऑलरेडी दोनों परिवार जो हैं वो हिंदू समाज से रिलेट करते हैं, लेकिन प्यार और गुरु नानक देव जी की महानता को देखते हुए पूरे पंजाब में मैक्सिमम जो शादी होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए अभी वो रस्म पूरी हुई, अभी गुरुद्वारा साहब में अंदर आ गए हैं, तो अभी अंदर कीर्तन वगैरह सुनते हैं। सबसे पहली जो रस्म होती है उसमें कलगी उतारी जाती है। जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने बैठते हैं तो कलगी उतारी जाती है और दोनों बच्चों को सामने बिठाया जाता है। तो ये देखिए दोनों बच्चों के सामने बिठा दिए गए हैं और उसके बाद जो आनंद कार्य है वो शुरू हो गया है। मीठा मीठा कीर्तन चल रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स हम J&K में रहते हैं तो हमने ये शादी जो है पहली बार देखी हुई है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये शादी देखी है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी शादी लगी, बहुत अच्छा कल्चर लगा जो कि बिल्कुल एक साफ सुथरे कल्चर में हमारी शादी जो है तो देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स आपको भी उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। देखिए साथ में कीर्तन चल रहा है, दोनों को बिठाया जाता है और श्री गुरु नानक देव जी और गुरु साहबानों के जो शब्द हैं वो सुनाए जाते हैं। सो गाइस सारा परिवार लड़की का सभी रिश्तेदार जहाँ पे बैठे हैं सभी का आशीर्वाद इनके साथ है।
और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी इनके साथ है। गुरु घर में गुरु कीर्तन जो है वो चल रहा है। दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा अमरी गणत न गणिया काई। और गुरु नानक देव जी की वाणी जो है वो सुनाई जाती है। सदा सदा रघुमान अमरी गणत न गणिया काई। अपना बिरद पहचान सदा रघुमान साचा साहिब सद मेहरवान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरा कोई सर्ब कल्याण रा। ये सामने मेरे मामा जी बैठे हैं जिनकी बेटी की शादी है, साथ में दूसरे मामा जी भी बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं। ये देखिए ये सारी संगत बैठी हुई है, हमारे घर के भी बैठे हुए हैं सदस्य। ये एक रस्म होती है पल्ला की, जो कि लड़की का पिताजी होता है वो पल्ला पकड़ाता है, लड़के का पल्ला लड़की को पकड़ाता है, जो एक रस्म होती है। बहुत ही बढ़िया अच्छी रस्म लगी, मतलब लड़के का लड़की के हाथ में लड़के का पल्ला पकड़ाया जाता है। उसके बाद जो बैठे जो पाठी जी बैठे थे गुरु की सेवा में, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे आपने लामा फेरे लेने हैं, अगर आपसे कोई चूक हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा और आपने लामा फेरे जो है वो कैसे लेने हैं। सो उसके बाद कीर्तन ऐसे ही चलता रहा और जो फेरे हैं वो शुरू हो गए। ये देखिए ये पहला फेरा शुरू हो गया, अभी उनको बैठने के लिए कहा गया है। कीर्तन चलता ही रहा। बहुत आनंद आ रहा था कीर्तन में, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक नाम पहले आरंभ काज रचाया। जन कहे नानक नाम पहले आरंभ काज रचाया। ये दोनों जीव जो हैं दोनों ने गुरु को प्रणाम करके उसके बाद फेरा शुरू हुआ। ये देखिए पहला फेरा हुआ, जो गुरु जी की अमृत वाणी जो होती है, जो गुरु जी का साक्षात स्वरूप जो होता है, उसके इर्द गिर्द फेरे लिए जाते हैं, जिसको कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं। उसके बाद ये दूसरा फेरा आ गया, देखिए तीसरा फेरा आ गया। सो गाइस ये लास्ट चौथा फेरा जो है दिया गया। गुरु घर में चार फेरे लिए जाते हैं, लड़का और लड़की
गुरु ग्रंथ साहिब जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चार फेरे लामा फेरे लेते हैं और कीर्तन चलता रहता है। उसके बाद ये आनंद कार्य पूरा हुआ। सतगुरु जी ने महान बख्शिश की और वहाँ पे जो पाठी बैठे होते हैं उनके द्वारा एक शब्द गाया जाता है जिसमें कि उनको आशीर्वाद देते हैं और साथ में मुबारकबाद मिलती है कि आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों पति पत्नी हुए। जो पाठी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं गाइस। So, तो ये कार्य जब पूरा हुआ उसके बाद अरदास की गई। मालिक के आगे अरदास की जाती है। हम भी इस अरदास में शामिल हैं कि मालिक बच्चों की जोड़ी बनाए रखे, इनके ऊपर कोई संकट ना आए। और मालिक का आशीर्वाद इनके साथ हो। So, दोनों को आशीर्वाद मिला पूरी संगत का। ये देखिए उसके बाद हम बाहर आ गए। ये मेरे जीजा जी हैं, मैं हूँ, मेरे चाचा जी हैं, मेरे पापा जी हैं। उसके बाद ये बाहर फौजी बैंड है जो कि दूल्हे वालों के साथ आया था, उसका थोड़ा मनोरंजन लिया। ये था आनंद कार्ज काजल की मैरिज का। और जो आगे का जो पैलेस का हाल होगा वो आपको कल नए ब्लॉग के साथ कॉलेज काजल की मैरिज ब्लॉग 2 में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स,
आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी लगी ये मैरिज आपने कमेंट में मेरे को बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया मेरे को मैरिज लगी, आपकी क्या राय है आप भी मुझे ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट जो मैरिज के फंक्शन क्या क्या हुए, उसके बाद पैलेस में क्या क्या हुआ, वो मैं आपको कल दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो गाइस, ये था आज का ब्लॉग, कल दोबारा मिलेंगे काजल की शादी में, पैलेस में।